ये बात उन लोगों को कुछ अजीब लगेगी जो चीन को महाशक्ति मानते हैं, लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी कि चीन का युद्ध में हारने का एक लंबा इतिहास रहा है। अपनी गैरत को कब का जमीन में गाड़ चुके चीनी किसी भी स्टैंड से अपने पैंतरे को बदलने में समय नहीं लगाते हैं, किसी भी स्टैंड पर हमेशा टिके नहीं रहते हैं, वक्त देखते हैं और पलट जाते हैं। ठीक ऐसा ही क्या अब भी हो रहा है, क्योंकि कई महीने की हीला हवाली के बाद चीन क्यों शांति का राग अलाप रहा है, क्यों बातचीत के लिए तैयार हो गया है, क्या जिनपिंग की कुर्सी जाने वाली है? क्योंकि बीजिंग से आ रही तस्वीरें तो कुछ इसी तरह की कहानी बयां कर रही हैं। ये रिपोर्ट देखिए। महीनों खूब ताव दिखाया, जमकर बारूद बरसाया, दुनिया को धमकाया, चीन ने यही तो किया। महीनों से चीन समंदर की लहरों को काबू में करने के लिए जोर आजमाइश कर रहा है, कभी ड्रिल के नाम पर तो कभी ताइवान को डराने के मंसूबे लेकर चीनी फाइटर जेट उड़ान भरते रहे हैं। समंदर की जिन लहरों को चीनियों ने अपनी बपौती समझा था, साउथ चाइना सी का वही किनारा अब ड्रैगन की संतानों को समाने के लिए तैयार है। इस बार ट्रेलर नहीं, चीन की बर्बादी की फुल एंड फाइनल फिल्म रिलीज होने वाली है। अमेरिका ने हिंद महासागर में करीब 19 जंगी बेड़ों को तैनात कर दिया है। इतना ही नहीं, गुआम द्वीप के पास मैरियाना आइलैंड पर अमेरिकी नेवी का मिसाइल क्रूजर वॉरशिप यूएसएस एंटी एटम भी तैनात कर दिया है। यानी इस बार समंदर में चीन के खिलाफ अमेरिका ने ट्रिपल अटैक का प्लान तैयार किया है, क्योंकि अमेरिका के साथ ही हमारी और ऑस्ट्रेलिया की नेवी ने भी हिंद महासागर की लहरों से बीजिंग की बर्बादी की तैयारी शुरू कर दी है। हिंद महासागर में हमारी और ऑस्ट्रेलिया की नेवी जॉइंट ड्रिल कर रही है। ड्रिल में हमारे आईएनएस सहयाद्री और आईएनएस कार्मुक वॉरशिप हिस्सा ले रहे हैं, जबकि रॉयल ऑस्ट्रेलियन नेवी की ओर से एचएएमएस हॉबर्ट शामिल है। ये तस्वीरें ऑस्ट्रेलिया के जंगी बेड़े की हैं, जो चीन के अहंकार को समंदर में दफन करने के लिए हिंद महासागर में पहुंच चुका है। लद्दाख की बुलंद चोटियों से लेकर समंदर की गहराइयों में हमारी तैयारी से जिनपिंग का हलक सूख चुका है। कल तक आंख दिखाने वाला बीजिंग का लाल तानाशाह अब दुनिया के सामने कैसे गिड़गिड़ा रहा है, खुद सुनिए। China is the largest developing country in the world, a country that is committed to peaceful, open, cooperative, and common development. We will never seek hegemony, expansion, or sphere of influence. We have no intention to fight either a Cold War or a hot one with any country. We will continue to narrow differences and resolve disputes with others through dialogue and negotiation. कमाल की कॉमेडी करती हैं माओ की संतानें। एक तरफ जिनपिंग दुनिया के सामने गिड़गिड़ा रहे हैं कि जंग नहीं चाहते, लेकिन दूसरी तरफ बॉर्डर पर बारूद बरसाने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। साउथ चाइना सी में जंगी तैयारी करता है तो वहीं ताइवान की चौखट के पार बॉम्बर उड़ाता है, इसीलिए चीनियों पर कभी कोई भरोसा नहीं करता है। भरोसा करें भी तो कैसे, असल में जिनपिंग के इस कथित करुण क्रंदन की वजह गद्दी जाने का खौफ है। विस्तारवादी बुद्धि वाले चीन की नीति हमेशा से सलामी स्लाइसिंग की रही है, लेकिन यही विस्तारवादी नीति चीन की बर्बादी का सबब भी बनने जा रही है। लद्दाख में मिली शिकस्त के बाद जिनपिंग ने अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मारने का काम किया है। खबरें तो यहां तक मिल रही है कि जिनपिंग की तानाशाही के खिलाफ चीनी फौज में बगावत हो गई है।
इस बात की तस्दीक ये तस्वीरें भी करती हैं। चीनी टैंकों का ये काफिला सरहद पर नहीं बल्कि बीजिंग की सड़कों पर था, वो भी आधी रात के घुप अंधेरे में। बताया गया कि बीजिंग में एक बड़ा धमाका हुआ जिसके बाद फौज बुला ली गई। लोगों को लगने लगा कि ये टैंक और तोपे जिनपिंग की गद्दी गिराने के लिए पहुंचे हैं। कंफर्म खबर है कि जिनपिंग के खिलाफ चीन की फौज में बड़ी बगावत हो चुकी है। पीएलए के दो सीनियर जनरल जिनपिंग के विरोध में उतर आए हैं। दावा तो यहां तक है कि दोनों जनरल जिनपिंग का तख्ता पलट करने की तैयारी कर चुके हैं। इसीलिए बीजिंग का लाल सुल्तान सहमा है, दुनिया के सामने दिखावा कर रहा है, शांति का राग सुना रहा है। गलवान में मारे गए सैनिकों पर चीन के हुक्मरानों की चुप्पी से चीनी फौज में गुस्सा है। हालात ये हैं कि जिनपिंग को सत्ता से बेदखल करने के लिए पीएलए के पूर्व फौजियों से लेकर जिनपिंग की पार्टी के लोग हथियार उठाने को तैयार बैठे हैं। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारत वर्ष पर।